और ये वीडियोस आपको जो हमारे कैमरे ने और महफूज किए हैं दिखाएंगे जी, अभी दिखा दो, वो हम आपको दिखाते हैं। चल एक वोटर है नुमाइंदा है शुभिंग डॉन फिर डॉन शिवता मौजूद साथ हजरात, अल्हम्दुलिल्लाह कराची हैदराबाद टंडोला यार की आवाम ने अपने हक में फैसला दिया है और अपने इलाकों में अपने शहरों में उन शहरों पर कब्जा करने और इंतखाबात को छीनने की तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया है। मैं इलेक्शन कमीशन हुकूमत सबसे ये अपील करता हूं, जरा आप देखिए क्या इंतखाबात के बाद आपको लगता है कि यहां पर बनने वाली बल्दियाती हुकूमतें इन शहरों की नुमाइंदा जमात कहलाई जा सकती हैं। जो लोग जीतेंगे क्या उनका सियासी जमहूरी और इखलाकी तौर पर कोई जवाब होगा? क्या उस मेयर को, उस कौंसल को, उस बल्दियाती हुकूमतों को अवाम कबूल करेंगे? आज के टर्नआउट ने बताया है कि बहुत बड़ी शिकस्त हुई है उन तमाम जमातों के लिए भी जिन्होंने इन शहरों के जज्बात, उनके मफादात, जमहूरियत और इंसाफ और शफाफ ईमानदाराना इलेक्शन के खिलाफ जाकर अपनी अपनी सियासत को बचाने की, अपनी अपनी जमाती मफाद को बचाने की कोशिश की है। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम कराची हैदराबाद टंडोला यार टंडो जाम के अवाम को सलाम पेश करते हैं, आपकी सियासी बसीरत को सलाम पेश करते हैं, आपकी जमहूरियत पसंदी को सलाम करते हैं और इंशाअल्लाह ताला एमक्यूएम एक बार बताएगी, फिर जताएगी कि एमक्यूएम इंतखाबी सियासत और ऐवानों की मरहून मिन्नत नहीं है। हम अवाम के दरमियान और अवाम के दिलों में रहते हैं और यही बार बार साबित हुआ है। हमने 93 में भी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था कौमी असेंबली के, तो उस इंतखाबात को, उसकी हुर्मत को बचाने के लिए माफिया मांगकर जिन्होंने साजिशें की हुई थी
एम क्यू एम से अपील की तो हमने सूबाई असेंबली के इंतखाबात में हिस्सा लिया था और आपने टर्नआउट देखा था कि 5% से 85% में तब्दील हो गया। 2015 के इंतखाबात भी आप गवाही देंगे कि जब मौका मिला है लोगों ने एम क्यू एम के हक में, जिस तरह जिन हालात में जब गली गली बाढ़, मोहल्ला मोहल्ला हिसार रहा है, उस वक्त भी अवाम घरों से निकले हैं और हमें कामयाब कराया है। हमने 2001 में इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था, मौका था जमात इस्लामी के पास कि वो इस तरह कराची की खिदमत करती कि दोबारा फिर किसी और जमात को आने का मौका नहीं मिलता। लेकिन बाद में एक दौर में 88 में एम क्यू एम के मेयर ने और 2005 में एम क्यू एम के मेयर ने, यही वो अदवार हैं जिसको कराची में मिसाल के तौर पे पेश किया जाता है। मुशर्रफ साहब के दौर में जो बल्दियाती इख्तियारात थे उसकी कामयाबी के लिए पूरा पाकिस्तान, हत्ता के लाहौर के मेयर को भी कराची की तरक्की और कराची में होने वाले काम की मिसाल देनी पड़ती थी। तो कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाकों के अवाम यकीन रखें, उम्मीद रखें, हौसला रखें, उनके वारिस, उनके साथी, उनके भाई और बहनें मौजूद हैं। इस इंतखाबात को कोई कबूल नहीं करेगा, इसकी कोई अखलाकी हैसियत नहीं है। और आने वाले दिनों में आप सबको एहसास हो जाएगा, 93 में जिन लोगों ने कौमी असेंबली में एमकेएम के बायकॉट के बाद जो एमएनएस बने थे वो दोबारा कभी इलेक्शन लड़े ही नहीं, उनके जमीर ने और इखलाकी हैसियत इतनी मुतासर हो चुकी थी वो कभी दोबारा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया उन्होंने। और कोई बात नहीं, देखिए मेरे ख्याल में खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने तो तकरीबन सारी बातें कह दी। कल इन्हीं खालिद भाई ने एक बात की थी, उसको दोहराना थोड़ा सा जरूरी है कि ये इंतखाबात जैसे भी हुए आपके सामने हैं, एक धांधली तो कबल से इंतखाब हुई, जेरीमेंडरिंग, डिसएनफ्रेंचाइज किया गया, कराची हैदराबाद टंडो अलाया टंडो जाम के वोटर्स को, शहरियों को, तो वो प्री इलेक्शन या प्री पोल रिगिंग हुई। लेकिन आज चूंकि सबकी राल टपकी हुई थी, सारी जमातें जो इलेक्शन लड़ रही थी और वो ये समझ रही थी कि कराची हैदराबाद टंडो अलाया टंडो जाम के शहरियों और वोटर्स के सियासी जमहूरी और इंतखाबी हक पर डाका मार के उसको कंप्रोमाइज करके वो इलेक्शन लड़ रही हैं। हमने 70 सीटों की कमी की वजह से इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, जो कराची के वोटर्स और शहरियों को उनकी बुनियादी 70 सीटों से महरूम किया गया था। तो जब ये इलेक्शन लड़ने वाले इख्तदार के लिए जैसे तैसे लूले लंगड़े बल्दियाती निज़ाम के इख्तदार के लिए जो मरे जा रहे हैं, जो भूखे हैं, 2015 से फिर इंतजार कर रहे थे कि उन्हें मौका मिले और उन्होंने इसको हलाल ओ हराम ओ हड़प करना है, वो इसको हड़प करने के चक्कर में, लेकिन ये कराची के वोटर्स और शहरियों को भी याद रहे और उन्होंने तो आज ये बता दिया, लो वोटर्स टर्न आउट करके कराची हैदराबाद टंडो अलाया टंडो जाम में लो वोटर्स टर्न आउट ने बता दिया कि ये इन शहरों के शहरियों और वोटर्स के बुनियादी हुकूक का सौदा करके 70 सीटें कराची की हमारी जो है वो हड़प की गई हैं, हजफ की गई हैं, जिससे हमें महरूम रखा गया। फिर इलेक्शन लड़ा जिन्होंने तो वो फिर एम क्यू एम के दस्तबरदारी की खैरात और सदके में आज जो जीतेगा वो जीतेगा। आज एम क्यू एम के इलेक्शन की दस्तबरदारी के सदके में जो मेयर बनेगा वो बनेगा और जो बुनियादी तौर पर इन शहरों के वोटर्स और शहरियों के हुकूक का सौदा करके इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो पहले ही आपने यहां के आवाम वोटर्स और शहरियों के हुकूक का सौदा किया। आप बल्दियात में जाकर
उनके हुकूक की कैसे हिफाजत करेंगे, उनके मसाइल को कैसे हल करेंगे जब अवामी ताईद से आप महरूम हैं, जब आप अवामी हिमायत से महरूम हैं, जब आप आवाम की पजीराई से महरूम हैं, तो फिर आप कैसे उनके मसाइल को हल करेंगे? उनके बल्दियाती इख्तियारात, बल्दियाती वसाइल जो 140A आईन ने जिसकी जमानत दी है, आप उनका तस्करा किए बगैर आप तमाम जमातों को उसूलन हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था। जमात इस्लामी हो, PTI हो, TLP हो, सब ने इलेक्शन में हिस्सा लेकर यह साबित कर दिया कि उन्हें कराची की 70 सीटें जो छीनी गई उसकी फिक्र ही नहीं है। सौदा करके इलेक्शन लड़ा, सौदा करके मेयर बनने जा रहे हैं। तो फिर आगे जो 4000 अरब का टैक्स देता है ये शहर कराची, और हैदराबाद का उसमें एक नुमाया हिस्सा है, ख़ास तौर पे जो सूबे के बजट में, वफाक के बजट में भी, अगर उसमें से हमें 40 अरब मिल रहे हैं कराची को, तो हैदराबाद को तो कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, किसी गिनती में नहीं है। तो फिर वो पैसा 400 अरब जो कराची के लिए लेना है, जो यहाँ के बुनियादी मसाइल, पानी के फोर के, जो 65 करोड़ गैलन इजाफी पानी का मसला, सर्कुलर ट्रेन का मसला, निकासी आप, गटर, कचरा उठाने का जदीद निज़ाम, उसके लिए जो पैसे खर्च होने, वो कैसे होंगे फिर भाई, जब 70 सीटें आपने खैरबाद कर दी सिर्फ अपने इख्तदार के लिए? हमारे साथ खड़े थे पिटिशनों में, अदालतों में खड़े थे जमात इस्लामी, PTI दोनों खड़े थे। और फिर इलेक्शन कमीशन ने जिस जानिबदारी और इलेक्शन कमीशन ने जिस जिसे कहते हैं कि गैर मुनसिफाना तर्ज अमल इख्तियार किया, खुदा खुदा करके सूबाई हुकूमत अगर मान भी गई, बहुत दाखिल से मानी, उन्होंने भी बहुत लेट किया, मान भी गई, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं इलेक्शन होगा। जहां 2 साल इलेक्शन तो ये ड्यू था सितंबर में, शायद बल्दियाती इदारे ख़त्म हुए थे जब वसीम अख्तर भाई, तैयब भाई जब हैदराबाद कराची से गए थे, तो वो कौन सा साल था, 2020 अगस्त 31 अगस्त को ख़त्म हुए थे बल्दियाती इदारे। तो भाई आपको इलेक्शन दिसंबर में करा देने चाहिए थे, और अगर यही हल्का बंदियाँ जो होनी थी ये फिर शुरू क्यों हुई नवंबर 2021 में? ये हो जाती ना जब वसीम अख्तर भाई या तैयब भाई के दौर के आखिरी 3 या 6 माह थे, आप उसमें कर लेते, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन को अपना फर्ज याद नहीं आया। और आज जब हम कह रहे हैं कि ये गलत हल्का बंदियां हुई और सूबाई हुकूमत ने मानी, सारी मीटिंगों में हम कहते थे 70 सीटों से महरूम किया, पीपल्स पार्टी ने माना कि 50 सीटों से महरूम किया। भाई हमें जब 50 सीटों से भी महरूम किया कराची वालों को, तो जिन्होंने भी इलेक्शन लड़ा इन 50 या 70 सीटों के कंप्रोमाइज और समझौते पे, उन्होंने तो हमारे हुकूक का आज ही से सौदा कर लिया, आगे वो क्या हमें हुकूक दिलाएंगे? तो ये बात याद रखनी है। तो इलेक्शन कमीशन भी उसमें शामिल है हमारे इस हुकूक के सौदे में। ये जानिबदाराना, गैर मुनसिफाना, और ये कतई और कतई ये फीका इलेक्शन था, ये सूखा इलेक्शन था जो आज पुल। हाँ, उसके बावजूद भी अगर एक तो प्री इलेक्शन रिगिंग हो गई जो हमने बताई हल्का बंदियों में जो हाथ हुआ, दूसरी रिगिंग आज भी हुई कि पोलिंग स्टेशनों पर कतारें नहीं, पोलिंग स्टेशन वीरान और उजाड़, फिर भी अगर कुछ बैलेट बक्सों से अगर वोट निकलेंगे तो वो पुलिस और इंतजामिया और जो पोलिंग स्टाफ है वो उनकी मरून मिन्नत, कुछ अगर कहीं पर थोड़ा वोटर्स टर्नआउट बेहतर होगा कि बाहर तो कतारें लगी नहीं, वोटर्स आए नहीं, फिर भी वोट अगर कहीं निकलेंगे पड़ेंगे तो वो इलेक्शन या पोल रिगिंग में आएगा। तो एक प्री पोल रिगिंग और ये पोल वाली रिगिंग, दोनों रिगिंग हुई। वैसे पुलिस वालों से भी हमें हमदर्दी है, उनको इजाफी काम करना पड़ा आज ठप्पे पे, काफी मेहनत करनी पड़ी उनको ताकि इंतखाबात को किसी तरह जायज करार दिया जाए। देखिए कराची सबका, और कराची उन सबका है जिनकी जीना और मरना इस शहर के साथ। कराची सबका, उनका नहीं है जो कराची को सिर्फ लूटने के लिए यहाँ आते हैं। कराची सबका है जो कराची के खातिर कुर्बानियां देते रहे हैं, और ये भी कुर्बानी और खैरात आज हमने कराची की खातिर, हैदराबाद के खातिर दी है। कराची सबका है, लेकिन सब फिर कराची की भी बने ना। सही बात, आपने कराची को दुबई समझा हुआ है, लूट का माल समझा हुआ है, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी और किसी सूरत में इस सूरत हाल को कबूल नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, देखिए कराची की बात जो आखिरी खालिद भाई ने की वही बात तो है ना
कि कराची तो सबका है, लेकिन अब पीडीएम हो या कोई हो और किसी की वफाकी हुकूमत हो, उसमें चाहे पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, अब उन्हें भी कराची और कराची वालों और कराची के ये जो वारिस और नुमाइंदे हैं उनका बन के भी दिखाना है, वरना मशावरत का अमल जारी है। बहरहाल एमक्यूएम ये ठेका वापस ले रही है हुकूमतें बनाने का और चलाने और गिराने का। जी जी, देखिए हमारा ऐवान तो हमारी सड़कें हैं, उसको आबाद करेंगे, वही फैसले करेंगे, वही से चलाएंगे कराची को। अच्छा ये भी बता दें कराची और लंदन के बायकॉट में फर्क क्या है? जी हम दस्तबरदार हुए हैं उस बेईमानी और धांधली की, अब किसी वजह से नहीं कि ये पसंद नहीं है या ये पसंद नहीं है, जैसे मुझे मेरी सियासी साख को या मफादात को या मुस्तकबिल को खतरा, इसके लिए तो नहीं किया ना हमने, हमने साबित किया है और ये बात तस्लीम की है सूबाई हुकूमत ने भी, इलेक्शन कमिश्नर ने भी, कमीशन ने भी, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी, कि कराची में हैदराबाद में प्री पोल रिगिंग हुई है 73 यूसीज कराची की कम बनी है, जिसको पीपुल्स पार्टी ने 53 तस्लीम किया, हुई है ना। तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो जो तस्लीम खुद जिन्होंने ये डिलिमिटेशन की उन्होंने खुद तस्लीम की है कि हाँ गलती हुई है, तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? इलेक्शन कमीशन किस लिए बना? तनख्वाह लेने के लिए बना? अगर वो मुंसिफा ने इलेक्शन नहीं करा सकता, शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकता, तो ऐसे इदारे की भी जरूरत कहां बनती है? और हमारा इसीलिए है कि हमने धांधली के खिलाफ अपने आप को दस्तबरदार कराया है, अपने सियासी मफादात के लिए नहीं। कब्रिस्तान में बड़ा अमन होता है। देखें बायकॉट करके क्या आपने मफाद के लिए किया है? अब हमारा मेयर बनेगा यहाँ पे, हम कराची के वसाइल हमारे पास होंगे, ये कौन सा सियासी मफाद है? ये एमक्यूएमई की हिम्मत है ना, यहाँ वो सारे लोग बैठे हैं जो कौमी असेंबलियों से और वजारतों से कई कई बार इस्तीफे दे चुके हैं। है कोई और मिसाल पाकिस्तान में इलेक्शन के बायकॉट की? कोई और मिसाल है 85 का? तो बिल्कुल उसके अलावा कोई और मिसाल है? इंतखाबात नहीं, हमारा सियासी नजरिया हमारे लिए ज्यादा अहम है। हम उसूल हार के इंतखाब जीतने के सदाबार नहीं बने और ना करेंगे ऐसे। उनका बयानिया उनको मंजूर हो, अवाम ने हमारे बयानियों को का साथ दिया और सलाम किया है और हम उनको सलाम करते हैं। एमक्यूएम ने आपको बता दिया अपना पूरा, हमने इस इंतखाबात को माना नहीं है, और वो लोग जो कि जिनके पास कराची का मैंडेट नहीं है, वो कराची का मेयर बनेगा जिसकी कोई अखलाकी हैसियत नहीं होगी। तो हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि कराची को चलाने के लिए ऐवानों से बाहर बैठ के हम ज्यादा बेहतर खिदमत कर सकते हैं। हमने एक बार जो बगैर ऐवानों में, बगैर मेयर के, बगैर इलेक्शन लड़े, जो हमने हफ्ता सफाई की थी, आज तक उस तरह कराची में दोबारा कभी हफ्ता सफाई एमक्यूएम भी नहीं कर सकी है। अब दोबारा करेंगे, सियासी सफाई भी करेंगे और शहर की सफाई भी करेंगे। अच्छा एक जुमला जरूर ले लें खालिद भाई की और हम सबकी तरफ से, कि ये इंतखाबात धांधली ज़दा थे शुरू होने से पहले, और आज इंतखाबात हुए तो ये धांधली ज़दा हैं, और इसीलिए हमने इससे दस्तबरदारी इख्तियार की, दस्तबरदार हुए, इसमें हिस्सा नहीं लिया, और आज भी हम इन इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं एक आवाज में। बायकॉट का मतलब ही मुस्तरद बैठ जाए। देखें आप भी फरमा रहे हैं और ये बॉयकॉट और दस्तबरदारी एक तरफ जो है वो अपनी इजारादारी के लिए सारे अहकाम हैं,
दूसरी तरफ जो है वो शहर वालों की इजाराधारी के लिए अहकाम है। हमने जो काम किया है उसको सूबाई हुकूमत ने एंडोर्स कर दिया, एंडोर्स। ये जो 10-1 की विड्रॉल है सूबाई हुकूमत की तरफ से, इस बात का ऐलान है कि हमसे गलती हुई। वो क्या कह रहे हैं, 10-1 का जो विड्रॉल है, 10-1 आम आदमी के लिए क्या है बात, सिर्फ हमने, हमारा क्लेम नहीं है, जिसने हल्का बंदी की है सूबाई हुकूमत ने, उसने 10-1 की विड्रॉल में ये ऐलान कर दिया कि हाँ हमसे गलती हो गई। जब सूबाई, और ये हम सूबाई हुकूमत के पास क्यों गए थे, सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां जाओ सूबाई हुकूमत के पास, उसका इख्तियार है। जब उसने अपना इख्तियार करके 10-1 विड्रॉ कर दिया तो हमारा क्लेम तो बिल्कुल एंडोर्स हो गया ना। उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन का कोई रोल ही नहीं था। इलेक्शन कमीशन को तो हर हाल में सूबाई हुकूमत की बात माननी थी। अगर 10-1 की विड्रॉल के बाद जिसमें अगर एक भी यूसी में डिसफंक्शनलिटी है तो इंतखाबात नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी, हमारा क्लेम है 70 का, पीपल्स पार्टी 53 यूनियन काउंसिल्स पर एग्री कर गई। यहां 53 यूनियन काउंसिल्स कम है, 53 यूनियन काउंसिल्स पे पूरा एक शहर बनता है, एक छोटा शहर बनता है पूरा 53 यूनियन काउंसिल्स। इमेजिन करें, जिला पूरा कराची, एक पूरा शहर बनता है, एक पूरा शहर 53 यूनियन काउंसिल्स जो है वो कम है। और अब इसके जानने के बावजूद ये फैसला लेने, अच्छा फिर पीपल्स पार्टी ने पहले दिन नहीं कर दिया ये काम, महीनों के मजाकरात के बाद वो डेफिनेटली, देखिए हर पार्टी, शायद हम भी होते तो उनकी जगह ये करते, हर पार्टी अपने हिसाब से, उनको ये सूट करती है बात। उन्होंने एग्री इतनी आसानी से नहीं किया, उन्होंने बहुत सारे महीने लगाने के बाद इस वाली बात को कंसीड किया और एग्री किया। ये भी नहीं कि पहले दिन उन्होंने ये वाली बात मान ली हो। जब उन्होंने ये बात मान ली कि 53 यूनियन काउंसिल्स कम है, फिर अगर एमक्यूएम इंतखाबात में जाती तो इसका मतलब है कि हमें सीटों की परवाह है, लोगों की परवाह नहीं है। हमने अपने इस क्लेम को हमेशा के लिए वैलिड कर लिया। आज अगर एमक्यूएम चली जाती है इलेक्शन लड़ने के लिए तो कराची का ये हक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। आज से तो ये तहरीक शुरू होगी, इस 53 यूनियन काउंसिल्स को इसमें इंक्लूड करा, ये बिल्कुल फ्लॉड है। हमने कल भी ये बात कर दी थी कि कोई भी मेयर बन जाए इस प्रोसेस से गुजरकर कराची के लोगों का टके बराबर का भला नहीं होना, टके बराबर का भला नहीं होना। अच्छा एक और अहम बात है, जो आधी आबादी दिखाई गई है उसके तहत 73 कम है, पूरी आबादी दिखाई जाए तो पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर से भी ज्यादा है। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की 43 यूसी हैं और आपने 73 यूसी हमसे खाली है। एमक्यूएम अपना मुकदमा जीत गई है, इंसाफ आ रहा है। अगर ये इल्जाम न लगाएं तो हमें अपने पर शक होना शुरू हो जाएगा। आपके बैठने से पहले जवाब दे दिया यार। तो बैठी था तो जवाब।